हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और दोबारा मैं आपका वेलकम करता हूँ आपके ही टेक्निकल चैनल टेक्निकल पॉइंट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Asus Zenfone Max Pro M1 के एक यूनिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर। दोस्तों, यहाँ पर मैं जैसे कि अगर आपने पुराने मेरे वीडियोज देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं Asus Zenfone Max Pro M1 6GB रैम वाला वेरियंट जो है वो यूज कर रहा हूँ और इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में पहले भी डाल चुका हूँ। दोस्तों, आज जो मैं मोबाइल को यूज करने के लिए मैंने मोबाइल को लिया तो एक्चुअल में एक यूनिक प्रॉब्लम मेरे सामने आई कि YouTube का एप्लीकेशन जो है और प्ले स्टोर एप्लीकेशन जो है और ऐसे एप्लीकेशन जिसके अंदर ईमेल अकाउंट को लॉग इन करना पड़ता है हमें और लॉग इन करके यूज करना पड़ता है, ये एप्लीकेशन खुल ही नहीं रहे थे। और एक्चुअल में यहाँ पर सारी चीजें कल तक के तो ओके थी, लेकिन जैसे मैंने आज मॉर्निंग में जैसे मुझे वक्त मिला मैंने यूट्यूब का ऐप ओपन किया तो ओपन हो ही नहीं रहा था। यानी एक्चुअल में यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जैसे मैं एप्लीकेशन को ओपन कर रहा था तो ये लॉग इन करने के लिए बोल रहा था, यानी ईमेल अकाउंट जो है ये साइन आउट हो चुका था, साइन इन करने के लिए मुझे दोबारा कहा जा रहा था, लेकिन ये बार बार मुझे बोल रहा था कि रिट्राई कीजिए। और इसी तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही थी और मैसेज आ रहा था कि यहाँ पर जो आपका जो ईमेल अकाउंट ये गूगल के सर्वर से कनेक्ट नहीं हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आज इस वीडियो में मैं आपको इसी का सोल्यूशन बताने वाला हूँ। अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है Asus Zenfone Max Pro M1 में या फिर किसी भी और मोबाइल में कि ईमेल अकाउंट आपका लॉगिन नहीं हो रहा है YouTube एप्लीकेशन के अंदर या तो फिर प्ले स्टोर में, मैंने प्रैक्टिकली फेस किया कि अब प्ले स्टोर और यूट्यूब दोनों एप्लीकेशन जो है वो ओपन नहीं हो रहे थे क्योंकि दोनों एप्लीकेशन जो है ये ईमेल अकाउंट से लॉगिन होना जरूरी। हालांकि यूट्यूब ऑन करने के लिए जो है इसे कंपलसरी नहीं माना जाता है, कंपलसरी नहीं होता है कि आप ईमेल अकाउंट लॉगिन कीजिए। ईमेल अकाउंट लॉगिन करने पर बहुत सारी चीजें हमें, बहुत सारी फैसिलिटीज हमें मिलती है, जैसे कि हम फेवरेट में ऐड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन हम डाउनलोड कर सकते हैं यूट्यूब के वीडियोज को। तो बेसिकली एप्लीकेशन प्रॉब्लम इतना ही है कि अगर आपका ईमेल अकाउंट जो है इन एप्लीकेशन में साइन इन नहीं हो रहा है तो फिर आपको क्या करना है। सो फ्रेंड्स, मैंने इस प्रॉब्लम को किस तरीके से क्लियर किया यही शेयर करने के लिए स्पेशली ये वीडियो बना है। दोस्तों, सिंपल सा एक्चुअल में पहले तो मैं गूगल पर चेक करने लगा कि चलिए इसका क्या सॉल्यूशन है, एक्चुअल में पहली बार इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो कुछ सॉल्यूशंस जो है इसके ऊपर मुझे मिले, लेकिन ये सॉल्यूशन जो है मैंने करके देखे तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। फिर थोड़ा सा मैंने मेरा दिमाग लगाया और यहाँ पर एक्चुअल में मैंने यहाँ पर क्या किया कि मेरे पास जो दूसरा मोबाइल था या फिर मैंने उसमें ट्राई किया कि ये प्रॉब्लम सभी को तो नहीं आ रही है, तो एक्चुअल में दूसरे मोबाइल के अंदर जो है वो सारी चीजें अच्छे से वर्क कर रही थी, ईमेल अकाउंट जो है अंदर साइन इन था YouTube के एप्लीकेशन के अंदर, प्ले स्टोर के अंदर और प्रॉपरली चल रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलिए यहाँ पर इसे हॉटस्पॉट कनेक्ट करके जो है इसे चेक करते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पर जब मैंने उसको कनेक्ट किया मेरे मोबाइल से, हॉटस्पॉट कनेक्ट करने के बाद जो है एक्चुअल में यहाँ पर दोनों एप्लीकेशन जो है वो अच्छी तरीके से ओपन हो गए। तो एक्चुअल में यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर नॉर्मली कनेक्टिविटी जो है वहां पर मैंने अलग से ली। मेरा जो इंटरनेट एक्चुअल में हर जगह पर काम कर रहा था अच्छी तरीके से, लेकिन फिर भी क्या पता क्यों नहीं साइन इन हो रहा था यूट्यूब के अंदर और प्ले स्टोर के अंदर। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने किया। तो एक्चुअल में बताने का, वीडियो बनाने का मकसद तो यही था कि अगर इस प्रॉब्लम को और कोई फेस कर रहा है तो इस तरीके से आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं कि आप न किसी और पर्सन से जो है हॉटस्पॉट से कनेक्ट होकर जो है, या कोई वाईफाई कनेक्टिविटी अगर आपको मिल रही है तो उससे कनेक्ट होकर जो है आप साइन इन कर लीजिए। एक बार आपको इन एप्लीकेशन के अंदर आपके ईमेल अकाउंट से साइन इन कर लेना है, फिर बाद में कोई प्रॉब्लम जो है इसमें नहीं आएगी। एक्चुअल में मैं भी इसी तरीके से यूज कर रहा हूँ, मैंने एक बार कनेक्ट कर लिया है किसी और मोबाइल से और साइन इन करके अच्छी तरीके से अभी मोबाइल जो है वो काम कर रहा है, अभी तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आ रही है। तो बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है जो भी चीजें, ये एक्सपीरियंस मेरा मैंने आपसे शेयर किया है, ये आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से सेटिस्फाइड है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज्यादा शेयर करें और अगर आपने अब तक के आपकी टेक्निकल चैनल टेक्निकल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई एक नया वीडियो इस चैनल पर आए तो आपको इसका मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर अपने नॉलेज को बढ़ा पाएं। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलेंगे एक नए और बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक की गुड बाय एंड टेक केयर।